तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन से किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। अपने स्मार्टफोन से आप ये कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको खोलना पड़ता है। तो इसके लिए आपको अपस्टॉक्स को डाउनलोड कर लीजिए। मैं अपस्टॉक्स पर करके दिखाऊंगा कि कैसे एक आप शेयर को खरीद सकते हैं और उसे बेच सकते हैं उसी दिन, या फिर होल्ड करके बेच सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी है। आपका पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। सिंपली से आसानी से आपका स्टॉक पर डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। और ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में घुसे हैं या फिर जो बिगिनर लेवल है, उन्हें खरीदना है या फिर बेचना सीखना है शेयर्स को। तो मैं आपको बता दूं, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं किसी को शेयर सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो चलिए अपस्टॉक पर चलते हैं, वहां पर आपको बताता हूं कि कैसे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। दोस्तों शेयर खरीदने और बेचने के लिए मैं अपस्टॉक्स का यूज करूंगा और इसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली से इसे ओपन करूंगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे अकाउंट पर जाएंगे तो ये देखिए मैंने अपना अकाउंट इस पर बना के रखा है। और यहाँ से ये आप देख रहे हैं विदड्रॉ या ऐड फंड, यहाँ से आप इसमें फंड ऐड कर सकते हैं, जितना आपको फंड ऐड करना हो यहाँ से UPI के थ्रू, गूगल पे, फोन पे के थ्रू ऐड कर लीजिए। तो मैंने 100 रुपए ऐड करके रखे हैं। तो सबसे पहले सिंपली से यहाँ पे आइकन दिखेगा सर्च का, तो यहाँ से आपको सर्च कर लेना है अपने अनुसार शेयर जो आपको खरीदना है। तो मुझे तो अभी रिलायंस पावर का शेयर है जो मुझे खरीदना है। मैं कुछ शेयर्स खरीद के दिखाता हूँ और बेच के दिखाऊंगा। ये देखिए रिलायंस पावर का जो शेयर है 11.25 रुपीस का है। तो चलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ जाएंगे अपन। अपन को कुछ नहीं करना है, सर्च करना है रिलायंस पावर, यहाँ पे दिख जाएगा रिलायंस पावर। इस पर क्लिक किया, नीचे जाएंगे दो बटन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बाय और सेल के। तो सिंपली से आपको बाय पर क्लिक कर देना है। बाय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी दिखा रहा है। सबसे पहले ऊपर दिखाएगा डिलीवरी और इंट्राडे। तो आपको डिलीवरी लेना है अगर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं। इंट्राडे में क्या होता है, ट्रेडिंग होती है। तो डिलीवरी अपन पे सिलेक्ट किया और मुझे मान लीजिए इसकी पाँच में इसकी क्वांटिटी ले लेता हूँ, ठीक है, मार्केट प्राइस पे ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से आप लिमिट लगा सकते हैं, सेट लिमिट लगा सकते हैं कि मुझे 11 रुपये में चाहिए 11.25 पे। तो जो मार्केट प्राइस है मैं उसमें ले रहा हूँ 5 क्वांटिटी। यहाँ से आप क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 5 ले रहा हूँ। और सिंपली से आप देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड 56 रुपीज़ लगेंगे। और यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा आपको रिव्यू बाय ऑर्डर, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसे अलाउ कर देना है और यहाँ पे सबमिट ऑर्डर कर देना है। तो अब क्या होगा, आपकी यहाँ पे देखिए होल्डिंग दिखाएगा। अभी इतनी जल्दी ये वेरीफाई नहीं होगा, अभी ये होल्डिंग दिखा रहा है, कुछ घंटों बाद ये वेरीफाई हो जाएगा और आपके ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर पोजीशन में यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है, रेगुलर में यहाँ पे। तो अभी ये होल्डिंग में चला गया है, अब हम वेट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता दूँ कैसे आपको अपना वही शेयर सेल करना है। तो आपको अकाउंट में आ जाना है, यहाँ पे अकाउंट में जैसे ही आप आएंगे देखिए मेरे 43 रुपीज़ बचे हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेड में आना है, ट्रेड में देखिए ये रिलायंस पावर है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए मैं अभी 0.25 रुपीज़ से बढ़ चुका है मेरा शेयर। तो चलिए अब मैं इसे सेल करके दिखाता हूँ। तो चलिए अब मैं इन पांचों शेयरों को सेल करूंगा। तो इस पे इसमें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये खुल के आ गया है। 0.44% का प्रॉफिट हुआ है अपन को इतनी देर में, ये ठीक है। एजुकेशनल वीडियो है भाई लोग, तो यहाँ से आपको सिर्फ सेल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सेल पर क्लिक किया और ये देखिए NSE में ये रजिस्टर्ड हुआ, तो कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। अब कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी है, 5 क्वांटिटी करनी है, मार्केट प्राइस पर ही करनी है, ठीक है। और ये स्वाइप टू सेल, यहाँ पे आपको ऐसा ये स्वाइप कर देना है, ठीक है ना। स्वाइप, ये देखिए मैंने शेयर स्वाइप कर दिया है। स्वाइप करने के बाद ये देखिए हमारे जो शेयर्स थे वो सेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे शेयर्स अपने सेल हो चुके हैं। यहाँ पे अभी एक्सचेंज तक जाएगा, बोर्ड एक्सचेंज तक ये शेयर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सेल होने के लिए। जैसे ही सेल हो जाएंगे यहाँ पे आपको ऑर्डर दिख जाएगा और यहाँ पे सिंपली से आप अकाउंट में आएंगे और अपने वो आपको बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, मान लीजिए इसमें 43 रुपीज है, आप सिंपली से कुछ नहीं करेंगे, विदड्रॉ कर देंगे। तो सिंपली से आपको यहाँ पे आपका बैलेंस दिखा दिया जाएगा, यहाँ पे आपका बैलेंस दिखा दिया जाएगा और यहाँ से आप विदड्रॉ उस बैलेंस को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। तो बस यही था पूरी वीडियो में, मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो बस यही था पूरी वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।